This is our new session for 11th, and today we are going to discuss about the first topic, and this first topic is SATs. तो आज हम सबसे पहले ना SATs की बात करेंगे कि SATs क्या हैं और SAT किस किस टॉपिक से हमें लिंकअप करते हैं, ठीक है? तो मैं जाता हूँ SAT की डेफिनेशन पे सबसे पहले. SAT की डेफिनेशन क्या होती है? सेट की डेफिनेशन क्या है? द सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. इस वेल डिफाइंड को अंडरलाइन कर दीजिए आप, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स. यानी जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे वो सेट कहलाएंगे. Somebody asking, what do you mean by well-defined? So you can say, here, the well-defined means, there is no confusion regarding inclusion or exclusion. इसका सीधे सीधा मतलब क्या है? इसका सीधे सीधा मतलब यह है कि अगर आपसे कभी भी सेट की बात की जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चीज हम सेट में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैंने कहा बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स, क्या ये सेट होगा? इज इट सेट? आपसे पूछे कोई इज इट सेट तो आप कहेंगे नो. द आंसर इज नो. व्हाई? क्योंकि जब आपसे बेस्ट क्रिकेटर की बात कर दी जाएगी ना तो आपके साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि अब आपसे बेस्ट क्रिकेटर की बात की जा रही है तो बेस्ट में भी बहुत सारी चीजें आएंगी. किसी को कोई प्लेयर पसंद है तो कोई किसी प्लेयर को पसंद करता है, कोई तेंदुलकर को पसंद करता है, कोई सहवाग को पसंद करता है, कोई जहीर खान को पसंद करता है, कोई बुमराह को पसंद करता है. तो भाई जब बेस्ट क्रिकेटर की बात की जाएगी तो ये स्पेसिफिक हो गया, और जब स्पेसिफिक कोई चीज़ हो जाए तो वो इन जनरल सेट में नहीं जा सकती, तो ये सेट नहीं होगा. लेकिन जैसे मैं इसमें से बेस्ट वर्ड, ये वाला जो वर्ड है बेस्ट, इस बेस्ट वर्ड को अगर मैं हटा दूँ, इसको अगर मैं कट कर दूँ, ठीक है ना, मैं यानी मैं पूछ लूँ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इज इट सेट? यस. द रीजन इज वेरी क्लियर. व्हाई? क्योंकि जब हमने क्रिकेट प्लेयर्स लगा दिया ना तो वो सारे क्रिकेट प्लेयर जो भी है ना वो सेट के अंदर आ जाएंगे. कोई इशू है? नहीं इशू है. तो वही सेट होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि उनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो सेट के अंदर होंगे या नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें आपसे कि डेंजरस एनिमल्स ऑन अर्थ, क्या ये सेट होगा? आप कहोगे नो. द रीजन इज द वर्ड डेंजरस, स्पेसिफिक कर दिया. अब देखिए डेंजरस में क्या है भाई? भाई कोई जो है कुत्ते से डरता है, कोई कुत्ते को पालता है, कोई जो है छिपकली से डर जाता है, कोई कॉकरोच से डर जाता है, लड़कियां तो डर जाती हैं अक्सर, तो क्या सेट हो सकता है? तो डेंजरस लगाते ही ना, अब स्पेसिफिक नहीं रहा. तो डेंजरस वर्ड जो है ना आपके अलग अलग फॉर्मेशन करेगा, कोई कहेगा ये डेंजरस है, कोई कहेगा नहीं है. तो जब कोई स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो वो सेट नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा. तो अगर मैं एनिमल्स ऑन द अर्थ कर दूं, आपसे कोई पूछे सेट है, आप कहोगे यस सेट है. एंड द रीजन इज वेरी क्लियर कि भाई एनिमल्स ऑन द अर्थ में आपके जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे स्पेसिफिकली डिफाइन है, कोई इशू नहीं है, तो वो सेट होंगे. तो सेट की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे. सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब आपसे कोई पूछे कि भाई सेट को डिफाइन तो आपने कर दिया, कुछ और बंदिशें हैं, कुछ और वो हैं पॉइंट्स हैं, तो कुछ की पॉइंट्स हैं. सेट को आप ऑलवेज राइट
always write or you can say denote by capital letters. By capital letters. Okay, हमेशा हम सेट को कैपिटल लेटर्स से डिफाइन करेंगे, कभी भी स्मॉल लेटर से डिफाइन नहीं करेंगे. आप कभी भी किसी सेट को स्मॉल ही नहीं कह सकते, ठीक है जी. दूसरी बात, जो सेट के अंदर पॉइंट्स होते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ सेट. दूसरा पॉइंट हो गया कि एलिमेंट ऑफ सेट्स ऑलवेज ऑलवेज राइट इन स्मॉल लेटर्स, वो हमेशा स्मॉल लेटर में आप लिखेंगे, और न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक और एसेट्रा और एनी पॉइंट, ठीक है ना. लेकिन कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे सेट के एलिमेंट के लिए, ठीक है. थर्ड, राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन कर्ली ब्रैकेट, इन कर्ली ब्रैकेट. डोंट यूज स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट. सो दीज स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो इन अदर वे आप ये कह सकते हैं कि आपको जो जब भी सेट लिखना है ना, तो सेट के लिए आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते. सेट के लिए आप जो ब्रैकेट यूज करेंगे वो ये होगी, ठीक है जी. तो सेट को आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे. तो ये पॉइंट है जरा सेट के वो बनाते चल रहे हैं, ठीक है. सेट राइट इन टू फॉर्म्स. अब बात चलती है कि हम सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं. तो जब भी सेट को लिखने की बात आए, देन यू कैन से सेट कैन बी राइट इन टू टू फॉर्म्स. वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, वन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड अनदर इज रोस्टर फॉर्म. यानी एक फॉर्म जो होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और एक जो होती है रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा क्या होती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म क्या होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सेट ए लिया कैपिटल ए, और इस कैपिटल ए में मैंने आपसे कहा कि कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 10 एंड एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है. तो ये जो हो गई ना, ये फॉर्म आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है. द रीजन इज वेरी क्लियर, द सेट बिल्डर फॉर्म इज नथिंग बट द सेट राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म. तो ये कुछ नहीं होती, ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है. एंड द रोस्टर फॉर्म इज वेरी क्लियर. अब इसी के अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाने जाऊं, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट ए इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन 10 होगा. ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी. यानी रोस्टर फॉर्म जो होती है उस मैथमेटिकल फॉर्म की ओपन फॉर्म होती है. तो सेट को लिखने के हमारे दो तरीके हो गए, कि कोई भी सेट जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, वो आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और जो ओपन करके लिख देंगे वो आपका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा. कुछ स्पेसिफिक नोटेशन हम सेट में यूज करेंगे, सम स्पेसिफिक नोटेशंस. तो उन स्पेसिफिक नोटेशंस को आप याद कर लें. स्पेसिफिक नोटेशन यूज एंटायर सेट, पूरे सेट में, इस पूरे सेट चैप्टर में हम कुछ स्पेसिफिक नोटेशन यूज करेंगे. जैसे कि ये सिंबल, ठीक है ना, ये सिंबल जो है ये ई नहीं है, ये इस तरीके से ओपन है. इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी समथिंग बिलोंग्स टू और नॉट. तो बिलोंग्स टू नहीं लिखना है आपको, ये सिंबल लगाना है. एंड अगर मैं इसी सिंबल को दोबारा बनाऊं और काट दूं इस तरीके से, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है जी, हो गया, क्लियर है. ऐसे ही ये सिंबल इस तरीके से, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी कोई चीज अगर किसी चीज में एग्जिस्ट करती है तो हम ये सिंबल लगाएंगे. एंड अगर इस तरीके का कोई सिंबल है तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है जी, क्लियर हो गया. तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई सेट का एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेट लिखता हूँ, दूसरा एक सेट ए, एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन
1, 2, 4 एंड x belong to integer choice. ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई. इसी के अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं, इट इंप्लाइज a is equal to सिंपली क्या हो जाएगा, इंटीजर कौन से होते हैं? कंप्लीट नंबर होते हैं. तो कंप्लीट नंबर में 1 से लेके 4 के बीच में कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा. अगर मैं आपसे ये कहता हूं इज 1 बिलोंग्स टू ए, तो आप कहोगे यस 1 बिलोंग्स टू ए, राइट है. अगर मैं आपसे कहूं 4 बिलोंग्स टू ए, आप कहोगे यस. अगर मैं आपसे कहूं 8 बिलोंग्स टू ए, आप कहोगे नो. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, 8 belongs to A. तो 8 के लिए क्या होना चाहिए? 8 does not belongs to A. ऐसे ही ये सही है. अगर ऐसे ही मैं कहूं 1 does not belongs to A, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये कुछ सिंबल हैं जो हम यूज करेंगे सेट के अंदर, ठीक है. तो पहले तो सेट समझ लेना जरूरी है. ये टॉपिक मैं सेट पे ही सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूं और आपको सेट की दो फॉर्म डिस्क्राइब कर रहा हूं. तो आपको एक्सरसाइज 1.1 जब आप करेंगे अपनी बुक की, तो आपको बहुत सारी ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी. सेट कैसे लिखे जाते हैं, सेट में कौन कौन से सिंबल यूज़ करे जाते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज़ नहीं करे जाते हैं. तो मैं अभी कंटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, वो मैं सबसेट में बात करूँगा, ठीक है. तो अब सेट जब पूरा आप कर लेंगे, तो उसके बाद इसके टाइप्स की बात आती है, कितने तरीके के सेट्स होते हैं. तो लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ सेट्स. अब हम बात करते हैं सेट कितने तरीके के होते हैं. तो जब बात टाइप्स ऑफ सेट की आएगी, टाइप्स ऑफ सेट्स, तो दो तरीके के टाइप होते हैं सेट के. आपका एक होता है फाइनाइट सेट, ठीक है, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट, जैसे कि आपको डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, फाइनाइट सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो. तो सीधी सी बात है, जिसके अंदर आपके डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो आपका फाइनाइट सेट होगा. और जिसके अंदर आपके इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा. ठीक है जी, हो गया. यानी कि अगर मैं कहूं इन्फाइनाइट सेट कौन कौन से हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फाइनाइट है, सेट ऑफ इंटीजर इन्फाइनाइट है, सेट ऑफ होल नंबर इन्फाइनाइट है, सेट ऑफ रैशनल इन्फाइनाइट है, सेट ऑफ इरेशनल इन्फाइनाइट है, ये सारे इन्फाइनाइट हैं. क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर, क्या आपको इसका कोई अपर बाउंड पता है कहाँ ख़त्म होंगे? नहीं पता. यानी वो सेट जिनका दोनों पॉइंट यानी एक्सट्रीमम और इन्फीमम, छोटे वाला और बड़ा वाला ना पता हो, वो सब इन्फाइनाइट होंगे. और जिनके छोटे बड़े पता हो, डेफिनेट हो, वो फाइनाइट होंगे. जैसे कि अभी हमने लिया था एक सेट ए इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक का कोई भी नेचुरल नंबर, वो फाइनाइट सेट होगा. तो इन्फाइनाइट सेट में तो कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन फाइनाइट सेट में कुछ कैटेगरीज भी हैं. जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, फाइनाइट सेट में आएगा आपका सिंगलटन सेट. कौन सा? सिंगलटन सेट, नल सेट. सिंगलटन सेट, नल सेट. सिंगलटन सेट क्या होता है? दो सेट विच हैव यूनिक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट हो. अ सेट हैविंग, अ सेट हैविंग एन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा. ठीक है जी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल सेट कराऊँ आपसे, तो आप एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाइए, लिखिए एक्स, यानी वो सारे ऑर्बिटरी एलिमेंट जो एक्स के अंदर है. इस एक्स का मतलब कोई एक यूनिक नहीं, वो सारे जो ए के अंदर हैं, सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 and 3, नॉट इंक्लूडिंग 1, नॉट इंक्लूडिंग 3, सॉरी, एंड एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. अगर मैं इसकी आपसे रोस्टर फॉर्म बनवाने जाऊं, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है वो सारे एक्स जो 1 और 3 के बीच में हैं, लेकिन एक्स हैं कौन? नेचुरल नंबर वाले. तो नेचुरल नंबर में 1 और 3 में क्या आता है बीच में? भाई सिर्फ 2 आता है. तो सिर्फ एक एलिमेंट आया 2. तो जो एक एलिमेंट रखता है वो क्या होता है? सिंगलटन सेट. तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया. आप इन्फाइनाइट मैनी एग्जाम्पल बना सकते हैं सिंगलटन सेट के. सो द नेक्स्ट वन इज नल सेट. नल सेट और एम्प्टी सेट. नल सेट और एम्प्टी सेट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, यानी वो सेट जिनके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है.
इट इज डिनोटेड बाई फाई. इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है. यानी असेट, असेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर भैया एलिमेंट ही ना हो कोई. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेट बनाया ए, मैंने कह दिया सारे एक्स जो वन और टू के बीच हों और एक्स बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर के अंदर. बताना जरा मेरे भाई, क्या इस सेट के अंदर कोई और एलिमेंट है? फाई और एम्प्टी कर ली ब्रेकेट, दोनों से डिनोट करते हैं, वन थिंग नोटेड. तो इसके अंदर क्या कोई एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम्प्टी कर ली ब्रेकेट और ए इज इक्वल टू फाई. ये दो आपके चले गए किसके अंदर? डेफिनेट के अंदर. यानी डेफिनेट के अंदर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सिंगलटन का मतलब यूनिक एलिमेंट रखने वाला, नल का मतलब कोई एलिमेंट रखने वाला, और फाइनाइट बहुत सारे जिनके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो. जहां तक बात इन्फाइनाइट की जाए तो इन्फाइनाइट में बहुत सारे हो सकते हैं. तो इतने से आपको सेट समझ आया कि सेट होता क्या है, और ये समझ में आ गया कि भाई हम सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो आप जरा इसको इतना ही रखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सबसेट. ओके, थैंक यू सो मच.